अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब से कुछ देर कबल एक वीडियो वायरल हुई है टूबा टेक सिंह से, फैसलाबाद का ये इलाका है। वहाँ से ये जब से वीडियो तकरीबन ढाई से तीन मिनट की ये वीडियो है। इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी एक लड़की लेटी हुई है और उसका गला दबा रहा है। इसी के साथ एक उसके करीब एक और शख्स बैठा है चारपाई पे और एक वीडियो बना रहा है। तीन लोग हैं और आपस में ये बात भी कर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। इस वाक्य के हवाले से एक तो सबसे पहले ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम डिटेल्स बताने वाली हूँ कि ये वाकया है क्या, हुआ क्या है असल में। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से भी कुछ चीज़ें DPO साहब ने बताई हैं। इसके साथ साथ ये कि मेन वाकया क्या था। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आपने वीडियो देखी ही होगी। उस वीडियो में एक शख्स जो चारपाई पे बैठा है और अपनी बहन का गला दबा रहा है, इसका नाम फैसल है। अब इसी के साथ साथ जो चारपाई पे बैठा है उसका नाम अब्दुल सतार है। ये फैसल का बाप है और जिसका ये गला दबा रहे हैं वो फैसल की बहन है और अब्दुल सतार की बेटी है। अब्दुल सतार जो है वो काफ़ी अरसे से माजूर है और ये चल फिर नहीं सकता। ये घर में ही होता है अक्सर बेशतर। जो शख्स वीडियो बना रहा है ये फैसल और ये जो फैसल का ये भाई है शहबाज, ये दो भाई हैं और इनकी ये बहन मारिया है जिसका ये तकरीबन 22 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। अब बताया ये जा रहा है कि कुछ रोज़ कबल ये जो शहबाज और उसकी बीवी है, असल में इनका ताल्लुक मियाँ चनू से है। ये जो वाकया है ये है नवाही चक है, ये 477 GB, ये वहाँ का वाकया है। और बताया इब्तदाई तौर पे ये जा रहा है कि ये मारिया जो है ये अपने भाई और भाभी के घर गई होती है, चौक आज़म गए होते हैं ये अपने रिश्तेदारों के घर, या ये भाई भाभी के घर गए होते हैं मियाँ चनू। जैसे इसके भाई और भाभी घर वापस आते हैं, अपने मारिया अपने भाई और बड़े शहबाज भाई को और भाभी को बताती है कि मेरे वालिद और भाई जो है ये मेरे साथ ज़्यादती करते हैं। ये जब चीज़ बताती है तो भाई जो है बड़ा सख्ते में आ जाता है और जाके अपने वालिद और भाई से पूछता है। अब अहम चीज़ जो है ये वाकया पेश कब आया, तो ये वाकया तकरीबन 17 और 18 की दरमियानी रात बताया जा रहा है कि ये पेश आया। और ये लड़की रोज़े से होती है, इफ्तार करती है ये, उसके बाद ये अपने भाई और भाभी को सारी चीज़ें बताती है। जैसे ही बताती है भाई अपने वालिद और भाई के पास जाके पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और आप लोग इस तरह की बदफेली और ये बुरे काम रमज़ान में कर रहे हैं, आपको कोई शर्म लिहाज आनी चाहिए। और दूसरा ये कि इतना बुरा इतनी बुरा काम। अब जैसे ये चीज़ बताई जाती है तो वालिद और भाई जो है बड़ा गुस्सा भी होते हैं और वो कहते हैं ये हम पर इल्ज़ाम लगा रही है। और दोनों ये तय करते हैं अब्दुल सतार और फैसल, हमने मारिया का कत्ल करना है हर हाल में, वरना ये चीज़ आगे फैलती जाएगी और हम पे बात आएगी। अब यहाँ पे शहबाज ये बताता है कि ये बात जो आके मुझे बताई मेरी बीवी ने, और मेरी बीवी को मारिया ने सारी डिटेल्स बताई कि इस तरह का अफसोसनाक जो मामलात हैं मेरे साथ चल रहे हैं और भाई और बाप ही ऐसी दरिंदगी में शामिल हैं। ये क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि आधी रात को हमने मारिया का कत्ल करना है। और फैसल करता ये है कि इसके हाथ पाँव बांध देता है और इसके मुंह पे तकिया रख के इसका गला दबाता है और ये जो वीडियो है ये बन रही है। अब इन दोनों को नहीं पता कि ये वीडियो शहबाज बना रहा है। शहबाज कहता है कि मैं कॉल के बहाने ये वीडियो बनाता हूँ, किसी तरह से रिकॉर्ड करता हूँ, और ये वीडियो लीक नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे एक तो धमकी दे रखी होती है मेरी बेटियों की कि उनकी जान को वो कहता ख़तरा होता है। शहबाज बताता है तो वो एक वकील से रابطہ करता है और वकील को कहता है कि इस तरह से वाक्य पेश आया, तमाम तर तफसीलात वो बताता है। वकील का आगे से ये कहना होता है आप ये वीडियोज़ मुझे दे दें और मैं इन वीडियोस को आगे वायरल कर दूंगा। शहबाज कहते हैं कि मैंने ये तमाम वीडियोस वकील को दी, वकील ने आगे इन वीडियोस को सर्कुलेट किया। अब जो बड़ी अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस लड़की की कब्र कुशाई हो चुकी है, इस लड़की का पोस्टमार्टम DNA तमाम चीज़ें करवाई जा रही हैं। शहबाज ये बताता है कि मुझे इतना मालूम हुआ मैं इस सारे कत्ल में मुलविस नहीं था, मेरी कोशिश ये थी कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, जिस वजह से मैंने वकील से रابطہ किया और वकील ने मुझे ये कहा कि मैं वीडियोस वायरल कर दूंगा, तुम मेरे हवाले वो वीडियो कर दो, और वकील ने ही ये वीडियोस वायरल की हैं। अब पुलिस ने इस वक्त शहबाज को भी तफ्तीश में तहवील में लिया हुआ है और अब्दुल सतार को भी और इसके भाई फैसल को भी और उस भाभी को भी, शहबाज की बीवी को भी। पुलिस ने जब इन बाप बेटे को अरेस्ट किया तो इन्होंने फ़ौरन एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, इन्होंने कहा हमने ही कत्ल किए। दूसरा इसके साथ साथ ये कि जैसे इन्होंने मारिया का कत्ल किया फ़ौरन ही इसको दफना भी दिया। इस वक्त नाज़रीन ये जितना मामला नज़र आ रहा है आप सबको चीज़ें बड़ी सिंपल लग रही होंगी। अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गई हूँ मैं आपको बताना,
इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, डॉक्टर्स ने मुआयना जो किया उसमें ये बताया जा रहा है कि लड़की की गर्दन की जो हड्डी हैं वो काफ़ी हद तक टूटी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि मुंह पे तकिया रखने से कबल ही इन्होंने पहले उसको हाथ से इसका गला दबाया। और डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और अब तक इतने ज़्यादा ऐसी वारदातें रिपोर्ट की हैं। मुझे ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला इतना सादा नहीं है। शहबाज़ जो बयान दे रहा है कि ये सिर्फ भाई और बाप का था कि वो इस तरह की दरिंदगी करते थे और मैंने अपनी बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए दूसरा ये कत्ल कर रहे थे तो ये वीडियोज़ मैंने वायरल करवाई, ये सारा मामला था। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल आनी है, डीएनए रिपोर्ट भी आनी है, उसके बाद हतमी तौर पे मज़ीद चीज़ें खुलेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये कि इनको आज अदालत में भी पेश किया गया, पुलिस ने रिमांड मांगा अब्दुल सतार और फैसल का, लेकिन इनको फिर रिमांड अदालत ने नहीं दिया, ये वजूहात नहीं बताई जा रही डिटेल में कि क्यों नहीं दिया गया। मज़ीद ये कि कल दोबारा इनको अदालत पेश किया जाएगा और अदालत से पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी ताकि मज़ीद इनसे तफ्तीश की जा सके। तो ये अब तक की अहम अपडेट्स हैं, ये वीडियो सर्कुलेट कर रही है लेकिन डिटेल्स किसी को मालूम नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया अगर तो इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी, फर्दर चीज़ें सामने आएंगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना ख्याल रखें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें और इस वक्त अल्लाह ताला बस रहम करें जो सूरत हाल है। अल्लाह हाफिज़।